खबर कोरबा जिले से है, जहां पाली तानाखार विधानसभा के चेतना में भाजपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। बता दें कि आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कहा कि पाली तानाखार बहुत उपेक्षित रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए विकास कार्य देने की घोषणा की है, जिससे यहां विकास कार्य को गति मिलेगी। कोरबा से व्यास नारायण की रिपोर्ट। जो भी भारतीय जनता पार्टी में हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर आएगा, हम सबका स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उनके काम करने की शैली से लोग प्रभावित हैं और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। पाली तानाखार क्षेत्र बहुत उपेक्षित रहा है, पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर राशि देने की बात भी कही है और हर ग्राम पंचायत में हम 25 लाख रुपए देंगे। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में बहुत नैसर्गिक तौर पे बहुत सौंदर्य है, बहुत हमारी धार्मिक आस्थाओं के केंद्र हैं, उसका कोई विकास नहीं हुआ, तो हम उसका भी विकास करेंगे। और आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, उनका व्यापार बढ़े और इस क्षेत्र का विकास हो, हम नए तरीके से इस क्षेत्र का एक नया विकास करेंगे।